First of all, friction. Friction is a force that opposes the motion of an object. Further, we divided it two types, static friction and dynamic. Dynamic friction ko hum two types se further divide karte hain, that is rolling or sliding. Static friction mein means jo aapka stationary position mein, resting position mein jo cheez hoti hai, theek hai. First of all, फ्रिक्शन का आप जैसे हम कोई भी गेम खेल रहे हैं, आपको एक जनरल आपको पता होना चाहिए. हम स्पोर्ट्स कोई बिल्कुल स्लिपरी, बहुत ज्यादा आपका सरफेस बहुत स्लिपरी है, तो व्हाट हैपन, हमको ग्रिपिंग नहीं होगी तो हम गिर जाएंगे, चांसेस ऑफ इंजरीज हो जाएगी, ठीक है. फिर इसका क्या है, अगर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है तो हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, ठीक है. तो इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस हैं. तो अकॉर्डिंग द सिचुएशन हम अपनी गेम्स को, अपने इक्विपमेंट्स को, सरफेस को, आपने देखा होगा हर गेम में डिफरेंट सरफेसेस होते हैं. जो ग्राउंड जहां पे हम खेलते हैं उनका पर्टिकुलर नेम होता है, आपने देखा ही है, आपने सुना होगा. आप हॉकी खेलते हो किस ग्राउंड पे खेलते हो, व्हाट वी कॉल दैट सरफेस. हाँ जी शुभी, अबे जहां पे हम हॉकी yes, खेलते. हाँ जी तो क्या कह रहे हो, इंटरनेशनल लेवल पे जो मैचेस होते हैं हॉकी के, जिस सरफेस पे होते हैं, ग्राउंड पे होते हैं, व्हाट वी कॉल दैट. अबे उसको बेटा एस्ट्रोटर्फ बोलते हैं. आपने देखा होगा जब वहां पे इंटरवल्स होता है तो वॉटरिंग करते हैं उसके ऊपर, वो एक आर्टिफिशियल सरफेस होता है, उसको ग्राउंड में लगाया जाता है, उसके ऊपर हॉकी खेली जाती है, वो ड्राई हो जाता है थोड़ी देर में, तो उसको क्या करते हैं, वॉटरिंग करते हैं, उसको गीला करते हैं. आपने देखा होगा जब वो स्टिक मारते हैं या हिट करते हैं तो आपको वॉटर, आपने देखा होगा पानी की बूंदे दिखाई देती है, ठीक है. आप एथलेटिक्स इवेंट करते हो तो उस जो आपका एथलेटिक ट्रैक होता है वो किसका बना होता है, व्हाट वी कॉल दैट. हाँ जी बोलो. अबे सर पता नहीं किससे बना होता है. देखा आपने, रबर का होता है. हाँ सर, सिंथेटिक ट्रैक. यस सिंथेटिक ट्रैक. ये आपको मैं फ्रिक्शन से रिलेटेड इसीलिए बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको ऐसे ऐसे आएंगे वहां पे. सिंथेटिक ट्रैक, और उस पे आप कैसे भागोगे, हम जो शूज डालते हैं उससे नहीं भाग सकते हैं उसमें. वहां पे हमको क्या होता है, स्पाइक्स, वी नीड स्पाइक्स. जो नेल्स वाले शूज होते हैं उनके आगे वाले टो के पास नेल्स लगी होगी, ठीक है, उसका साइज भी डिफरेंट होता है. फॉर एथलेटिक ट्रैक एंड फील्ड इवेंट का डिफरेंट है, फॉर अ फास्ट बॉलर उनका डिफरेंट होता है स्पाइक्स, ठीक है, उसकी शार्पनेस, उसकी लेंथ. ये सारी चीजें अकॉर्डिंग टू योर गेम इसीलिए बनाई है, ये सारी फ्रिक्शन से रिलेटेड बनाई है. अगर आप शूज नहीं डालोगे पर्टिकुलर स्पाइक्स तो आपकी ग्रिपिंग नहीं होगी, ठीक है, वो बहुत हार्ड सरफेस होता है. सेम इन एस्ट्रोटर्फ, अगर आपने वहां पे एस्ट्रोटर्फ पे आप मैच खेल रहे हो, आप अगर फुटबॉल खेल रहे हो, फुटबॉल में शूज जो डालते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्टड्स. उसके नीचे नेल्स नहीं होगी बट उनकी ग्रिपिंग बनी होगी, स्टड्स, ठीक है. यू कैन राइट दिस, व्हेन द बैट्समैन इज बैटिंग देन देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ शूज, रिपल्स, उसमें प्लास्टिक के स्पाइक्स की तरह बने होंगे बट वो प्लास्टिक की तरह होंगे, उससे उनकी ग्रिपिंग रहती है. वाइल दे आर रनिंग ऑन दैट एरिया, जिस एरिया पे जिस पे बॉल पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, पिच, ठीक है, जो आपकी विकेट्स होती है स्टंप से स्टंप तक की 22 yards by 10, उसको हम टर्फ बोलते हैं, TURF, टर्फ, जो क्रिकेट में जहां बैटिंग होती है. ये आपको आना चाहिए, देर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिचेस जिसको हम विकेट्स बोलते हैं. एक आपकी मैटिंग होती है सिंथेटिक मैटिक,
मैटिंग आर्टिफिशियल, एक मैट जैसे घर पे सपोज आपके मैट है वो मोटा मैट होगा, ठीक है, उसको उसके ऊपर मैचेस खेलते हैं। फिर एक सीमेंटेड ट्रैक होता है, दैट इज फॉर गुड फॉर बिगनर्स, जो प्रैक्टिस करते हैं बच्चे जिनको बॉल इवन आती है। सीमेंटेड विकेट पे अगर आप बॉल को डिलीवर करोगे तो बॉल की एक हाइट है वो एक ही आएगी, वो बॉल ऊपर नीचे नहीं आएगी। अगर आप कहीं पे मिट्टी में या क्ले वाले ग्राउंड में कहीं खेल रहे हो तो वहां से क्या होगा, कहीं घास है, कहीं स्पॉट है, ठीक है, तो वहां से बॉल ऊपर नीचे आ सकती है। ये आपको मैं क्यों बता रहा हूँ बेटा, अगर बिगनर्स हैं, अगर सपोज एक हार्ड बॉल क्रिकेट की होती है, अगर आप उनको कहीं पे रफ सरफेस पे बैटिंग करा देते हो बच्चे को, तो क्या होगा, बॉल कहीं से भी एकदम बाउंस हो सकती है, कहीं से भी नीचे रह सकती है, ठीक है, कहीं से भी वो राइट और डिफरेंट साइड को डेविएट कर सकती है, राइट और लेफ्ट। तो उससे क्या होगा, जो हम बिगनर्स हैं, जो बच्चे हैं जिनको हम बेसिक चीज सिखा रहे हैं क्रिकेट की, कैसे बैटिंग करनी है, जब अनसर्टेनिटी इज देयर ऑन द पिच, जब बॉल ऊपर नीचे दाएं बाएं घूम रही है, तो व्हाट हैपन, अब वो बच्चा खेल नहीं पाएगा। उसको ये, उसके माइंड में ये चीज होगी कोई बॉल एकदम ऊपर आ रही है, उसको बॉल ना लग जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, सीमेंटेड ट्रैक बनाते हैं, सीमेंटेड विकेट बनाते हैं, उसके ऊपर आप जितनी मर्जी बॉल को फेंको, तेज फेंको, जैसे फेंको, उसकी जो एक हाइट है वो एक नॉर्मल हाइट पे आएगी बॉल। तो उससे बच्चे को खिलाने में, उसको बेसिक चीज सिखाने में बहुत इजी रहता है। हर ग्राउंड आपने देखा होगा, कोई भी ग्राउंड, आप बैडमिंटन खेलते हो, दैट इज इंडोर गेम, ठीक है, वो काहे पे होता है, वुडन, वुडन के ऊपर एक आर्टिफिशियल सरफेस होता है, दैट इज हवा कोर्ट, उसको एक लेयर डली होगी है, ठीक है। सेम इन द केस ऑफ बास्केटबॉल, उससे क्या होता है, बच्चों के जो नीज की इंजरीज हैं, जो आपके टेंडन्स हैं, लिगामेंट है, अगर आप यही गेम सीमेंटेड विकेट पे खेलो, बार बार आपने जंप करनी होती है, वॉलीबॉल हो गया, ये सारी जो इंडोर गेम्स है, ठीक है, तो देर इज जो सरफेस है वो स्पेसिफिक होता है, ये नहीं कि आप उसको सीमेंटेड में खिला दो, ठीक है। फ्रिक्शन से रिलेटेड आपके रूल रेगुलेशन बने हैं, उसके इक्विपमेंट्स बने हैं, आपने कौन से इक्विपमेंट है, अब आप आइस स्केटिंग करते हो, ठीक है, स्नो में क्या होता है, वो जो उनके आइस स्केट बूट्स होते हैं वो बिल्कुल साफ होते हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो। रोलर स्केटिंग करते हैं, रोलर्स होते हैं वो क्या, रोल जल्दी करते रहते हैं, आपको रोलर स्केटिंग करने में इजी होगा। तो ये सारे आपको फ्रिक्शंस के, आपको मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ सो दैट आपको इजिली यू कैन अंडरस्टैंड दिस, कि फ्रिक्शन क्या है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, और गेम में इसका क्या यूज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक जो होता है, जब स्टेशनरी पोजिशन से, हम रेस्टिंग पोजिशन से, हम किसी भी एग्जिस्ट बिफोर एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू स्लाइड इज स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, जब हम उसको ग्लाइड पोजीशन में लेके जाते हैं, इसी में आपका डायनामिक और इट इज ऑल्सो नोन एज काइनेटिक। इट इज अ फ्रिक्शन इन विच क्या होता है, फोर्स जो आपका मूवमेंट जो होगा प्ले व्हेन द वन बॉडी मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ एनदर, एक बॉडी एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे जब जाती है, तो इसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं जैसे रोलिंग फ्रिक्शन, जब हम एक बॉडी को दूसरे के ऊपर जो बॉडी रोल करती है। फ्रिक्शन कैन बी सीन इन द मूवमेंट ऑफ व्हील, जो व्हील होता है दूसरे सरफेस के ऊपर रोल करता रहता है, ठीक है, और जैसे रोलर स्केटिंग है वो रोल करते रहते हैं। तो ये रोलिंग में हो गया, देन आपका स्लाइडिंग में हो गया, जब आप स्लाइड करते हो किसी हैवी चीज को, ठीक है, उसमें रोलर्स लगे हैं, उसको आप पुश करोगे वो स्लाइड कर रही है, ठीक है, दूसरे सरफेस पे, उसके ऊपर स्लाइड करना, जैसे हम डाई मारते हैं ग्राउंड में, स्लाइड करते हैं ग्राउंड में, आपने देखा होगा व्हेन क्रिकेटर दे आर स्टॉपिंग द बॉल इन बाउंड्री, तो वो एक लेग को फोल्ड कर देते हैं, दूसरी को स्ट्रेट रखते हैं और बॉल को आर्म से खींच लेते हैं, दैट इज अ स्लाइडिंग, ये डिफरेंट टेक्निक है। तो आपका इसका क्या मेन रोल है, क्या एडवांटेजेस हैं, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन इट हेल्प इन मूवमेंट, जो भी आपने कोई मूवमेंट करनी होगी है, ठीक है, उसमें ये हेल्पफुल होता है आपको मूवमेंट करने में। अगर बहुत स्लिपरी कोई चीज होगी, ठीक है, तो आप क्या होगा, आप वहां मूवमेंट नहीं कर पाओगे अपने, आप बैलेंस नहीं बना पाओगे। किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपने कोई भी एक्टिविटीज करनी है, अगर वहां पे फ्रिक्शन नहीं होगा,
इवन यू कांट कांट वॉक, कोई सरफेस बहुत ही ल्यूब्रिकेट हो, ठीक है, स्मूथ हो, ठीक है, तो वहां पे आप कहीं देखेंगे ना, कहीं पानी गिरा हो तो वैसे ही वहां पे स्लिपरी सी हो जाती है, आप स्किड कर जाओगे। तो फ्रिक्शन का मेन क्या है, इट हेल्प्स इन मूवमेंट, आपने डिफरेंट मूवमेंट करनी होती है, इसीलिए मैंने एग्जांपल आपको ग्राउंड का दिया है, आपको इक्विपमेंट का दिया है कि ये ग्राउंड है, ये इक्विपमेंट्स हैं, उसी के साथ वहां पे आप खेल सकते हो। अगर आप क्रिकेट में बॉलिंग कर रहे हो, आपने स्पाइक्स नहीं पाई है, वो सरफेस इतना हार्ड होता है टर्फ, ठीक है, तो आप वहां पे आपका ग्रिपिंग नहीं होगी, जब आप बॉल को डिलीवर करोगे तो फॉलो थ्रू में आप गिर जाओगे। सेम इन डिफरेंट गेम्स, हर गेम में आपके डिफरेंट शूज होते हैं, क्रैप सोल शूज है, दैट इज ए डिफरेंट फॉर बैडमिंटन प्लेयर, टेबल टेनिस प्लेयर्स, ठीक है, उनका क्या होता है, वो ग्रिप करते हैं, क्योंकि आपने ग्रिपिंग, आपकी मूवमेंट होती है, दैट इज टोटली मूवमेंट ऑफ योर फीट, आपका फीट की फुट आपका ऑलवेज इन मूविंग पोजिशन, आप मूव करते रहते हो राइट लेफ्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो उनकी वहां ग्रिपिंग अच्छी होनी चाहिए, उनका डिफरेंट सोल होता है। तो हर गेम में हर इक्विपमेंट का अपना अपना साइंटिफिकली और स्पेसिफिकली रोल होता है। देन एडवांटेज ऑफ नेक्स्ट आपका हेल्प्स इन होल्डिंग द ऑब्जेक्ट्स, अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट्स को इक्विपमेंट्स को होल्ड करना है, पकड़ना है, ग्रिप करना है, तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, तभी आप ग्रिप कर पाओगे। हैव यू सीन द शॉर्ट पुटर्स, आपने शॉर्ट पुट वालों को देखा है या आपने जिमनास्टिक वालों को देखा है, वो हैंड पे अपने एक पाउडर सा लगाते हैं, देखा है किसी ने बेटा, ये शुभी तो गई है जिमनास्टिक में। वेन एवर दे स्टार्ट एनी इक्विपमेंट रिगार्डिंग पैरेलल बार है, रोमन रिंग है, ठीक है, या आपका कोई भी जिमनास्टिक के इक्विपमेंट्स में जब वो कोई भी एग्जीक्यूट करते हैं अपनी स्किल्स को, वो हैंड में वो पूरा पाउडर अच्छी तरह से लगाते हैं, सो दैट उनका जो ग्रिप है उसमें सारा ग्रिपिंग का काम होता है। अगर आपने रोमन रिंग को होल्ड करना, पामेल को करना है, उसकी कोई एक्टिविटी करनी, तो अगर आपका हल्का सा भी हैंड आपका स्लिप हो गया तो आपकी सारी मूवमेंट जीरो है। हल्की सी अभी अगर हैंड की ग्रिपिंग में आपका हल्का सा भी कोई फर्क पड़ जाएगा तो उससे क्या होगा, आपने देखा होगा लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, रैकेट्स, उनके जो ग्रिप होते हैं, ठीक है, कोई टावल का चढ़ा के रखते हैं, देयर इज अ डिफरेंट ग्रिप्स आते हैं उनको, उससे क्या होता है, आपको स्वेटिंग भी अगर हल्की सी हो जाती है तो ऑब्जर्व कर लेता है वो ग्रिप, उससे आपको अपनी मूवमेंट अपनी ग्रिपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो अगर आपका ग्रिप आपका तभी अच्छा हो सकता है अगर उसमें फ्रिक्शन हो ऑब्जेक्ट्स में। और एक वन एग्जांपल शॉर्ट पुटर को देखा है, शॉर्ट पुट जो करते हैं वो पूरा अपना लगा के पाउडर यहाँ भी लगा होता है उन्होंने, अब वो स्लिप ना हो जाए कहीं, पूरा ग्रिपिंग करके उसको लगाते हैं, ठीक है, तो इट हेल्प्स इन होल्डिंग द ऑब्जेक्ट ऑल्सो। देन हेल्प इन कैचिंग द बॉल्स, बॉल को अगर आपने कैच करना है, अगर आप बॉल ऐसी बना दो, जो आपने देखा होगा व्हेन वी आर प्लेइंग बास्केटबॉल, अगर वो बॉल का बिल्कुल स्मूथ हो जाती है बॉल को, हम उसको चेंज कर देते हैं प्रैक्टिस में भी, इवन क्या होगा, अगर बिल्कुल आपकी बॉल स्लिप कर रही है, ठीक है, ग्रिप उसमें नहीं बन रहा है, बोलते हैं ना आप देखते हैं चेक करते हैं ड्रिवल करके ग्रिप है कि नहीं ग्रिप, अगर उसमें ग्रिप ही नहीं बन रहा है तो आप कैसे उसको ड्रिवल करोगे, होल्ड करोगे एंड बास्केट करोगे। जब काफी देर तक कोई बॉल को आप यूज करते हैं तो उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, बिकॉज व्हेन यू ड्रिवल द बॉल तो उस बॉल से आपका ग्रिप नहीं बनेगा, फ्रिक्शन नहीं होगा तो ग्रिप नहीं बनेगा, अगर वो जितनी स्मूथ होती जाएगी वो आपके हैंड से निकलती जाएगी, स्लिप करती जाएगी। कोई भी आप बॉल ले लो, कोई अच्छी उसमें ल्यूब्रिकेट कर लो बॉल को, उसके साथ अगर आप खेलोगे तो क्या होगा, आप उसको आपसे पकड़ी ही नहीं जाएगी। वाटर पोलो है, कोई भी जो बॉल्स वाली गेम है, ठीक है, अब बॉल होती है क्रिकेट की, आपने बॉल देखी है ना, उसमें दोनों तरफ तो वो शाइन करते रहते हैं पर बीच में सीम होती है, उसके सिलाई लगी होती है सीम, उसको ऐसे होल्ड करते हैं सीम से, उसी से वो बॉल को ड्रिवल करते हैं फर्दर, तो दैट इज फॉर ग्रिपिंग, दैट इज फॉर फ्रिक्शन। अगर आपका ग्रिप नहीं बनेगा, फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, नेचुरली वो स्लिप हो जाएगी आपके हैंड से, आपका कोई भी उसमें आप फ्री थ्रो ले रहे हो, ठीक है, बास्केट कर रहे हो तो स्लिप होगी तो आपका एंगल सही नहीं जाएगा, तो दैट दैट विल बी
डिसएडवांटेज फॉर दैट पर्टिकुलर प्लेयर। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या होता है, देन जो हमने किसी भी चेंज करना है डायरेक्शन को, ठीक है, अगर हमारा ग्रिप बनता है, हम भाग रहे हैं, भाग के आ रहे हैं। अब जैसे मैं आपको ग्राउंड का बताता हूँ, ग्राउंड स्लिपरी है, आप भाग रहे हो, हर गेम में मूवमेंट क्या होती है, फॉरवर्ड बैकवर्ड राइट लेफ्ट टर्न पिवट, आप कोई भी अगर मूवमेंट आपने करनी हो, अगर आपका सरफेस में फ्रिक्शन नहीं होगी तो आप मूवमेंट ही नहीं कर पाओगे, आप गिर जाओगे, आप स्लिप हो जाओगे, ठीक है। तो कोई भी डायरेक्शन अगर आपने चेंज करनी है, अगर मैं स्लिपरी एरिया में भाग रहा हूँ बहुत तेज और मैं चाहता हूँ कि एकदम रुकना है मैंने, तो इट इज मतलब इट विल बी नॉट पॉसिबल कि आप एकदम वहां पे आके अपने आपको ब्रेक लगा लो। जैसे आप रोलर स्केटिंग देखें, रोलर स्केटिंग की है किसी ने, देखी है? नो सर। रोलर स्केट्स के आगे बेटा एक ना ब्रेक, जिसको हम बोलते हैं ना ब्रेक यूज करते हैं, अपने लेग को हल्का सा, टो को अपवर्ड करते हैं, टो को डाउनवर्ड करते हैं, हील को अपवर्ड करते हैं, उसके आगे एक ब्रेक गोल सा राउंड सा लगा होता है, उससे एकदम ब्रेक लग जाती है, वो उनके लिए जरूरी है। अगर सम टाइम अगर आप कोई बिगिनर्स हैं, कोई बहुत ओवर स्पीड में हो गया, बहुत ज्यादा स्मूथ एरिया है, तो आपने अपने आप को रोकना भी है ना, कैसे रोकोगे, तो वो जस्ट लाइक ए ब्रेक होता है, दैट विल हेल्प यू टू स्टॉप योर मोशन। जो आप जा रहे हो, भाग रहे हो, आपकी ओवर स्पीड हो गई है, उसको ब्रेक लगा के वो अपना रोक सकते हैं अपनी स्पीड को, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज करने में इट विल बी वेरी हेल्पफुल। अगर आपके पास ये सिस्टम नहीं होगा तो आप सीधे फिसलते जाओगे, स्ट्रेट वे चल जाओगे, कोई रोकेगा नहीं, रुकेगा नहीं आप। देन नेक्स्ट, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है वो, उसको अगर हम फेंक देते हैं, जैसे आपका फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया है कि कोई चीज अगर इन मोशन में है, मोशन में रहेगी, अगर रेस्टिंग पोजिशन में है तो रेस्टिंग में रहेगी, ठीक है। अगर कोई चीज को आप, कोई मोशन में चीज है, अगर उसको एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगती है तो क्या होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, वो मूव करती रहेगी। तो फ्रिक्शन इट विल हेल्प इन स्टॉपिंग, ठीक है, एनी जो आपका मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको स्टॉप करने में हेल्पफुल होती है। जैसे क्रिकेट में आपने शॉट मारा है, वहां पे ग्रास होती है ग्राउंड में, तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, बॉल रुक जाती है। अगर आपका शॉट ज्यादा तेज है, पावर ज्यादा है उसमें, तो इट विल ट्रेवल टुवर्ड्स द बाउंड्री लाइन। अगर पावर कम है तो धीरे 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 स्लो होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो दैट विल हेल्प, वो ग्राउंड इसीलिए राशि उन्होंने बनाया होता है, अगर वो ग्राउंड को ऐसे सिंपल सीमेंटेड सीधा बना दे तो बॉल अपने आप हल्का टच करोगे बाहर चल जाएगी, देन देयर इज नो यूज। फिर तो जो भी बैटिंग करने आएगा, बॉल को हल्का सा टच किया और ऑटोमेटिकली बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। तो हर ग्राउंड का, हर इक्विपमेंट का, हर सरफेस का साइंसिफिकली इसीलिए उन्होंने हर चीज बनाई होती है। एंड नेक्स्ट इज हेल्प इन जनरेटिंग हीट। फ्रिक्शन का एक नेक्स्ट भी होता है, अगर टू सरफेस में फ्रिक्शन जब ज्यादा होता है तो वो प्रोड्यूस हीट करता है। अगर आप अपने हैंड्स को भी ऐसे रब करोगे तो नेचुरली हीट प्रोड्यूस होती है। जब हम वार्म अप, इसीलिए बॉडी को हम करते हैं, ठीक है, विंटर में ज्यादा करते हैं, ताकि आपकी बॉडी थोड़ा टेम्परेचर उसका हाई हो सके। देन इट विल हेल्प इन वॉकिंग एंड रनिंग। अगर आपको फ्रिक्शन नहीं होगा तो यू कांट वॉक और रन, उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, वॉकिंग में भी रनिंग में भी। समटाइम कोई एरिया ऐसा होता है जहां पे कोई स्लिपरी हो तो हम बड़े ध्यान से चलते हैं, अपने फुट को रखेंगे, फिर समटाइम आपने देखा होगा स्नो के बाद हिल स्टेशन में अगर जाते हो तो स्लिपरी हो जाता है सारा, वो जम जाती है बर्फ, तो वहां पे वो बोलते हैं कि आप स्टिक यूज करो। देन देयर इज ए वन मोर, जितनी भी आपका हिल स्टेशन पे गाड़ियां चलती हैं उसमें क्या, टायर्स के ऊपर वो एक चेन लगा देते हैं, गाड़ियों को भी ग्रिप की जरूरत होती है ना, तो उसमें ग्रिपिंग नहीं होगी, फ्रिक्शन नहीं होगा, तो वो ग्रिपिंग करती है। फिर जब आप चेन डाल दोगे एक उसमें, ठीक है, लोहे की आयरन की चेन टायर में डाल देते हैं, उससे क्या होता है, उसमें उसको ग्रिप मिलना शुरू हो जाता है टायर को, अदरवाइज वो स्किड करती हैं गाड़ियां। यू हैव सीन आफ्टर द स्नोफॉल मैक्सिमम देयर इज ए चांसेस ऑफ स्लिपरी ऑफ व्हीकल्स। ये आपके कुछ एक एडवांटेजेस हैं, तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, दैट इज मेन कॉजेज ऑफ इंजरीज।
ठीक है, और आपकी इंजरीज कॉज क्यों होती है, आपने बहुत ज्यादा एनर्जी इंक्रीज इन एनर्जी कंजम्पशन, जितना आपका सरफेस में फ्रिक्शन होगा उतनी ज्यादा आपको अपनी एनर्जी यूज करनी होगी, ठीक है। जहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा, आपका सिंपल एक एग्जांपल है, इफ यू आर रनिंग ऑन द ग्राउंड, इफ यू आर रनिंग ऑन द ट्रैक एंड आफ्टरवर्ड इफ यू आर गोइंग फॉर रनिंग ऑन बीचेस सैंड, तो क्या होगा, व्हाट हैपेंड, कहाँ पे भागना इजी होता है बेटा, ट्रैक में या सड़क पे, रोड साइड पे, या आप कहीं सैंड जहाँ पे वो बीचेस एरिया होता है? ट्रैक पर। हाँ जी सर, ट्रैक पर। अगर आप सैंड पे भागोगे तो आपसे भागा नहीं जाएगा। जब रनिंग के लिए हम एंड्योरेंस के लिए प्रैक्टिस करते हैं तो सैंड रनिंग पे भी, सैंड पे भी रनिंग करते हैं सम टाइम एथलीट्स, वहां बहुत ज्यादा आपको पावर लगेगी, बहुत ज्यादा जोर लगेगा, ठीक है। जैसे हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग हम करते हैं इन अ लो ऑक्सीजन लेवल, सेम दैट इज अ हाई हिल ट्रेनिंग, ऊपर अपवर्ड भागना, चढ़ाई में भागना है, ठीक है, सैंड पे रनिंग करनी है, देन इट इज रिस्ट्रिक्ट द बॉल फ्लाइट। अगर हम किसी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है तो बॉल की फ्लाइट में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। वेयर एंड टेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, देन कोई भी मूवमेंट अगर आपने करनी है दैट विल बी डिफिकल्ट, जितना आपका फ्रिक्शन ज्यादा होगा उतना आपको जोर लगेगा, एनर्जी लगेगी, स्ट्रेंथ लगेगी, तो आपकी जो मूवमेंट है वो लिटिल बिट डिफिकल्ट हो जाती है जितना आपका ज्यादा फ्रिक्शन होगा। देन हाउ वी रिड्यूस द फ्रिक्शन, सिंपल है, यू पॉलिशिंग द सरफेस, ठीक है, सरफेस को आप पॉलिश कर दो, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, बाय यूजिंग डिफरेंट लिब्रिकेंट्स, जैसे हम गाड़ियों में इंजन में लिब्रिकेट डालते हैं, ठीक है, सो दैट अगर वो बार बार उसमें अगर लिब्रिकेट नहीं होगा तो वो क्या होगा, हार्ड हो जाएगा, फॉर स्मूथनेस के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। देन स्ट्रीम लाइन थ्योरी, जो मेन आपकी है स्ट्रीम लाइन थ्योरी, दैट इज यूज बाय द एथलीट थ्रोअर, ठीक है। आपने किसी भी स्ट्रीम लाइन का जब आपने इसका यूज करना है तो आपने एयर, एयर में भी आपका रेजिस्टेंस है, उसको आपने कैसा, जितनी भी आपके ट्रेन्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, वो इसी पे बेस करते हो, दैट इज एरोडायनेमिक थ्योरी, स्ट्रीम लाइन थ्योरी। आगे शार्प, अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट शार्प एज का होगा तो एयर में वो इजिली मूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर फ्लैट कोई चीज है, जैसे हम 100 मीटर का स्टार्ट लेते हैं, आप स्टार्टिंग पोजीशन में क्या होता है, हम कैसे भागते हैं, अपराइट पोजीशन में नहीं रनिंग करते हैं, ठीक है, स्लांटिंग पोजीशन में रनिंग करते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर रिगार्डिंग दिस फ्रिक्शन। सर, हमारे को टाइप्स ऑफ प्लेन भी आनी है क्या? टाइप्स ऑफ प्लेन, वो प्लेन, टाइप्स ऑफ प्लेन आप सेजिटल वगैरह एक बार कर लो, एक एक लाइन के, उसमें आपको पूछ सकते हैं डिफरेंट टाइप्स कितने हैं, 1, 2, 3 और 4। सर बुक में तो सिर्फ एक लिखा है, एक ही लाइन लिखी है कि फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन आर मूवमेंट्स दैट अकर इन द सेजिटल प्लेन, बस उसके अलावा कुछ गिवन ही नहीं है उस प्लेन के बारे में। मैंने आपको सारे मूवमेंट्स बता दिए बेटा, सो दैट कई बुक्स में लिखा है, कईयों में लिखा नहीं, कोई एनसीईआरटी की बुक तो है नहीं है, आपको मूवमेंट सारे पता होने चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। ठीक है सर, ओके।